हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मंडे मैथ्स जंगल पे। आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म पी अपॉन मी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। आपको ये नंबर्स गिवन दे रखे हैं और जिनके ऊपर बार लगा हुआ है उनको आपको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। P अपॉन Q का मतलब है कि आपको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 बार और मैं आपको बता दूँ इसके दो मेथड हैं। एक तो शॉर्टकट होता है और दूसरा जो होता है कि वो आप अकेडमिक में कैसे मतलब आपको क्वेश्चन करना है वो मेथड बताऊंगा। और दूसरा जो है शॉर्टकट है, जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं तो वो इनको ये लॉन्ग जो मेथड होता है उसको करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है वहाँ पे कि उस मेथड से वो आंसर निकालें। तो उसका शॉर्टकट भी होता है, तो आप शॉर्टकट से आप ये निकाल पता कर सकते हैं कि आंसर कितना आएगा। उससे आपके जो आंसर आने का 100% वो एग्जैक्ट होता है, मतलब 100% सही होता है उस मेथड से अगर आप करेंगे। लेकिन शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों हम तरीके सीखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो हम आपको जो अपने स्कूल्स में एग्जाम में कर रहे हैं वो हम सीखेंगे। उसके बाद में फिर दूसरा शॉर्टकट मेथड है उसको हम करेंगे। तो पहले हम लॉन्ग कट तरीके से करते हैं जो आपको स्कूल की कॉपियों में करना है, आप जो करना है एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो 0.6 बार है, मतलब यहाँ पे जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो आगे भी वही डिजिट क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसको हम देखो कैसे करेंगे, लिखते हैं। इसको मान लेंगे लेट x इक्वल टू 0.6 बार, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 0.6 के ऊपर जब बार हटाएंगे तो हमें 6666 इस तरीके से लिखना पड़ेगा डॉट डॉट तक, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। और अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, आपको एक बात याद रखनी है, अगर जितने के ऊपर जितनी डिजिट के ऊपर बार होगा उससे हम अगला जो स्टेप है मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। अगर यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अगर यहाँ पे दो डिजिट के ऊपर बार होता तो हम फर्स्ट स्टेप यही रहता उसमें, लेकिन जो अगला स्टेप होता उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट के ऊपर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही ये कंटिन्यूस वाइस वर्सा होता चला जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इसका मतलब हमें दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर फिर से बता देता हूँ, अगर 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, अगर 3 डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 से करेंगे, अगर 4 डिजिट के ऊपर बार है तो 10000 से करेंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे। तो अगला स्टेप होगा मल्टीप्लाइंग by 10 on the both sides। तो अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो LHS RHS दोनों में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू 0.66 डॉट 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 डॉट, इसको ब्रैकेट में आप करेंगे अच्छा रहेगा। 10 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 को x से करेंगे हो जाएगा 10x इक्वल टू, इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल राइट साइड 1 डिजिट के बाद खिसक जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 डॉट 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 डॉट। और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे। अब इसके बाद जो अगला स्टेप है, इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट from equation second। तो equation first को second से minus करना, जब हम minus करेंगे तो LHS में से LHS को minus करेंगे और RHS को RHS में से minus करेंगे। यहाँ पे second वाली है तो यहाँ 10x हो जाएगा आपका 10x minus x और इसका जो RHS है 6.66 dot 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 माइनस इसका जो फर्स्ट इक्वेशन का वो है। आप चाहे तो आप एक और डिजिट बढ़ा सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.666 डॉट डॉट डॉट, ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से 10x में से एक x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9x और यहाँ से जब 6 पॉइंट, आप देखिए अब इसको माइनस करना है 6.66
6 में से 0.66 माइनस, आगे भी 6 इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो 0 0 हो जाएगा। हम माइनस करते हैं तो 6 में से 6 किया 0, 6 में से 6 जाएगा यहाँ पे भी 0, 6 में से 6 जाएगा 0 और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 6 में से 0 जाएगा 6, तो आपका जो माइनस करने पे आएगा वो आएगा 6.0। यहाँ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x इक्वल टू 6/9, इसको काट देंगे 3 2 6 3 3 9, तो ये आपका जो आंसर आ जाएगा 2/3। तो हमें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस करना था, तो ये आपका फाइनली आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये तो हो गया लॉन्ग तरीका, अब हम शॉर्टकट कैसे करेंगे। शॉर्टकट में आपको कुछ नहीं करना, देखिए अब इसमें बस थोड़ी सी जगह चाहिए शॉर्टकट के लिए। आपको याद रखना जैसे यहाँ पे 0.6 बार है, तो क्या करना है जितने डिजिट के ऊपर बार है, आपको पहले लाइन जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने टाइम मतलब नीचे हम 9 लिख लेंगे। अगर 1 डिजिट के बाहर होगा तो 1/9 लिखेंगे, अगर 2 डिजिट के होता है तो 9 लिखते हैं, और फिर उसके बाद में बार हटा देते हैं और डेसिमल हट जाएगा तो आपका सिर्फ 6 बचेगा, या फिर इसको माइनस काट दो 3 2 6 3 3 9, तो ये आपका आंसर 2/3 आ गया। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक इसको बोलेंगे, और ये जो आपका लॉन्ग ट्रिक है जो आपको स्कूल में एग्जाम्स में करना है। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम अगला जो क्वेश्चन पार्ट है इसका सेकेंड पार्ट करेंगे, उसको भी इसी तरीके से हम दोनों तरीके से करेंगे, लॉन्ग तरीके से लॉन्ग मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो सेकेंड देखते हैं इसमें, ये आपका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, 0.47 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे सिंगल डिजिट के ऊपर बार है, तो अगर हम इसको वही करना, फर्स्ट स्टेप आपको मान लेना, लेट x इक्वल टू 0.47 बार, यहाँ पे सिर्फ 7 के ऊपर बार है, तो मतलब है यहाँ पे 7 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 0.4777 ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर डाल देंगे फर्स्ट। अगला जो है स्टेप करेंगे, अब ये तो फर्स्ट हो गया, अब देखो यहाँ पे सिंगल डिजिट के बारे में, तो इसमें दो यहाँ से थोड़ा इसका स्टेप चेंज हो जाएगा, पहले इसको हम 10 से करेंगे फिर इसके बाद 100 से करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग टेन ऑन बोथ साइड, 10 से करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x 10 मल्टीप्लाई x इक्वल टू हो जाएगा 0.47 .. मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू हो जाएगा, ये अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल उधर 1 डिजिट के बाद शिफ्ट हो जाएगा, तो 4.7, इसको क्वेश्चन नंबर डाल देंगे हम सेकेंड। आप जो अगला स्टेप होगा, जो फर्स्ट वाली क्वेश्चन है, एक बार इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में 100 से करेंगे, ये आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 0.477 .. मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ जाएगा, x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब है यहाँ पे जो पॉइंट है वो दो डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47.7 .. अब इसको इक्वेशन नंबर थर्ड डाल देंगे। अब इसके बाद जो होगा, हम इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन सेकेंड को क्या कर देना है, माइनस कर देना, तो हम देखते हैं इसके बाद करते हैं। तो LHS में से LHS को माइनस करना है, RHS को RHS पे, तो 100x यहाँ पे अच्छा आप लिख रही है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, थर्ड में से सेकेंड को करना है, LHS में से LHS करेंगे, ये हो जाएगा 100x माइनस 10x इक्वल टू
आर जैसे यहाँ पे 47.77 डॉट 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 माइनस ये है 4.7 डॉट 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 100 में में से 10x निकालेंगे तो आपका ये 90x बचेगा। इसको अगर 47 में से अगर इसको माइनस करना है तो आप इस तरीके से करेंगे 4.77, क्योंकि यहाँ पे भी आपके साथ साथ चलता जाएगा तो ये आपका पॉइंट के बाद में 0 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 43.0। तो इसका मतलब जो आगे आपका ये बार माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 43.0। तो एक्स स्क्वायर तो हो जाएगा 43/90। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब ये तो हम इसको लॉन्ग तरीके कर सकिए, अगर इसको हम शॉर्टकट से सीखेंगे, शॉर्टकट देखो कैसे करेंगे, यहाँ से कर लेते हैं। इसका जो शॉर्टकट है अब यहाँ पे लिखा हुआ है 0.47 के ऊपर बार लगा हुआ, तो मैंने बताया था आपको कुछ नहीं करना, पहले लाइन खींचनी, जितनी डिजिट के ऊपर बार लगे हो उसके उतनी बार यहाँ पे 9 लिख देना, यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो 9, और जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता तो उस डिजिट के जगह पर हम 0 बढ़ा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, आप इसको 47 नोट कर लो और जिसके ऊपर बार नहीं उसी उस नंबर को डिजिट को माइनस कर देते हैं, तो 47 से 4 जाएगा 43/90। तो आप यहाँ से देख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से दो लाइन में आंसर मिलता है, और आपको लॉन्ग तरीका जो आपको स्कूल में करना, आपको अपने स्कूल्स में करना है तो ये वाला तरीका करना है। आप इसी ये पता लगा सकते हैं जो आपने लॉन्ग तरीके से किया है उसका आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो ये तो सेकेंड पार्ट हो गया, इसके बाद हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड जो इसका पार्ट है वो बहुत इजी है, इसमें सिर्फ दो स्टेप करना, जैसे हमने इसको किया था वैसे इसको भी करना है। तो यहाँ पे इसका जो थर्ड पार्ट है 0.001 तीन डिजिट के ऊपर बार है, तो इसमें सिर्फ सिंपल करना है आपको, इसको x मान लेना है, यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे मानेंगे लेट x इक्वल टू 0.01 बार लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 3 डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 0.01 फिर 01, ऐसे आगे भी होता चला जाएगा। इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। अगला जो स्टेप कर देना है, अब मैंने बताया था जितने डिजिट के ऊपर बार होगा उतने से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 1000 से करेंगे, अगर डबल पे होता तो 100 से, और अगर सिंगल पे होता तो 10 से। तो यहाँ पे 3 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे अगला स्टेप जो होगा मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑन द ऑन बोथ साइड, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 0.01 मल्टी फिर ये 0. मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपका 1000x हो जाएगा। अब यहाँ पे 1000 से करें तो डेसिमल मतलब 3 डिजिट उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 001.001 .. क्वेश्चन नंबर इसको सेकेंड मान लेंगे। अब आपको क्या करना है, माइनस करना है सेकेंड में से क्वेश्चन फर्स्ट को, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, सेकेंड में से फर्स्ट को एलएचएस में से एलएचएस करेंगे आरजेएस को आरजेएस, तो ये हो जाएगा 1000x माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो पॉइंट के पहले अगर डिजिट है उसकी वैल्यू होती है, जीरो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 1.001 .. इसको माइनस करना है 0.01 .. आगे भी रिपीट होता जाएगा, तो ये माइनस जब करेंगे 1000 में से एक्स माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 999x इक्वल टू, ये माइनस करेंगे तो 1 आएगा आपका 1.00, या हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू 1 अपॉन में 999। अब इसको अगर शॉर्टकट करना है तो शॉर्टकट देखते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पे देखना है कितना है, 3 डिजिट के ऊपर बार है तो आपको कितने 9 लिखने पड़ेंगे, 3 लिखने पड़ेंगे और बस 1 और डेसिमल हट जाएगा, तो ये 1/999 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आपको जो मैंने तीनों पार्ट बताए वो आपको समझ में आए होंगे, तो ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जो नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जय हिंद।